हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल दीपक कार सीट कॉल। गाइस आज मैं आ चुके हैं फिर एक बार करोल बाग कार एसेसरी अपनी शॉप पे, जो मेरा आपको नंबर दिख सकता है, ये देखिए मेरा नंबर दीपक 9643229622। तो गाइस अपना लोकेशन एक बार दिखा देता हूँ, मैं ओल्ड वैगनार 2015 मॉडल का वीडियो लेकर आने वाला हूँ, जो काफ़ी हद तक बहुत ही बढ़िया अमेजिंग रहने वाली है। तो ये दिखा दूँ आपको, ICICI बैंक है, इसके जस्ट बराबर में अपनी शॉप है। तो गाइस एक बार दोबारा चेकआउट करा दूँ, तो ये देखिए सत्यभामा आर्य कन्या महाविद्यालय, इसके गेट के सामने ही अपनी शॉप है। तो गाइस वीडियो फुल देखिएगा, अच्छा लगे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल दीपक कार सीट कवर। गाइस मैं आप लोगों के लिए आज वैगनार लेकर आया हूँ, जो 2015 मॉडल रहने वाली है। तो इसमें हम क्या क्या काम कर रहे हैं आपको दिखाऊंगा एक बार, हमने क्या क्या काम इसमें कर दिया है। तो ये देखिए फ्रंट में, तो आप देख सकते हैं कि जो जीप कंपास का जाली होता है वो फ्रंट जाली इसमें हमने लगा चुके हैं। तो ये काफ़ी हद तक लुक जो है काफ़ी बहुत अमेजिंग आ रही है, बहुत ही बढ़िया लुक आ रहा है। तो गाइस बात करें बाहर की तरफ से, बाहर की तरफ से हमने DR लगा चुके हैं, ये देखिए DR इंस्टॉल हो चुका है। साथ में आप देख सकते हैं इसमें LED लग चुका है, LED भी लग चुका है। और साथ में मैं आपको आगे का लुक चेक कराऊंगा तो चेकआउट कराऊंगा, देख सकते हैं कि लुक किस तरीके का है। तो गाइस एक बार आपको चेकआउट करा दूँ, तो इसका फोकल लेंथ पुराना था जिसमें हमने LED इंस्टॉल किया है, जो काफ़ी हद तक बहुत ही बढ़िया रोशनी आने वाली है, बहुत ही बढ़िया लाइट आने वाली है। देखो ये ऑलरेडी काफ़ी पुराना है, बट इसमें LED लगाने के बाद काफ़ी हद तक बहुत ही क्वालिटी वाली लाइट आने वाली है, बहुत ही बढ़िया। जो मैं लाइट आपको फोकस दिखाऊंगा इसका, ये देखिए नॉर्मल फोकल का फोकस देख लीजिए आप, नॉर्मल ये फोकल का फोकस है और काफ़ी हद तक बहुत ही बढ़िया लुक आ रहा है। ये देखिए आप दोबारा चेकआउट करा दूँ, तो ये फोकल में हमने LED लगा दिया है, LED इंस्टॉल कर दिया है। और साथ में गाइस ये देखिए आप ऊपर में DR इसमें इंस्टॉल हो चुका है, ये देखिए DR लगा हुआ है। तो गाइस एक बार मैं आपको इसमें इंडिकेटर वाला भी दिखाऊंगा, जो ये देखिए आप इसमें दोनों तरफ में देख सकते हैं कि इंडिकेटर वाला ऑप्शन भी आ जाता है, फोकल में दिखा चुका हूँ। ऊपर भी हमने इंस्टॉल किया है H4 का LED, तो वो भी दिखाता हूँ, चेकआउट करता हूँ रोशनी का चला। ये देखिए तो आप ये देख सकते हैं कि रोशनी काफ़ी हद तक बहुत ही बढ़िया लाजवाब रोशनी आया हुआ है। साथ में मैं डीपर भी चेक कराऊंगा आपको एक बार, तो ये देखिए नॉर्मली है, देख सकते हैं आप, ये देखिए काफ़ी हद तक बहुत ही बढ़िया अमेजिंग रोशनी आ रही है। तो गाइस अब आते हैं एक बार बाहर की तरफ, तो ऑल ओवर बाहर का मैंने ये दिखा दिया आपको। साथ में इसमें सन वाइजर लगा है, वो देख सकते हैं जो डोर वाइजर है, ये देखिए ये भी लग चुका है। बाहर की बात करें तो इसमें और कुछ नहीं हुआ है, यही डोर वाइजर और साइड का वेरिंग इसमें लगा नहीं है। एक हमने इसमें एक्सपॉयलर लगा दिया है, जो देख सकते हैं एक्सपॉयलर का कुछ इस तरीके का लुक आया हुआ है। साथ में एक बार देखिए पीछे की तरफ बात करें तो डिग्गी लाइट इसमें इंस्टॉल कर चुके हैं, ये देखिए डिग्गी लाइट इंस्टॉल कर चुके हैं, जो मतलब आप अगर पार्किंग पे हैं तो ये देख लीजिए दोनों तरफ इंडिकेटर जा रहा है, अगर ब्रेक मारेंगे तो देख सकते हैं ये बीच वाले इंडिकेटर पे। आप साथ आपको दिखाता हूँ मैं ब्रेक पे, ये देखिए ये ब्रेक पे कुछ इस तरीके से लुक आ रहा है, और पार्किंग पे कुछ और लुक आएगा वो भी मैं आप दिखा देता हूँ आपको। तो ये देखिए गाइस ये पार्किंग पे कुछ इस तरीके से मल्टी कलर का रहने वाला है, जो काफ़ी हद तक बहुत ही लुक जबरदस्त आ रहा है। तो मैं इसको ओपन भी करके दिखा सकता हूँ आपको। तो गाइस अपना ये डिग्गी जो लाइट है कुछ इस तरीके से रहने वाला है। हम इसमें भी DRL इंस्टॉल कर दिए, देख सकते हैं आप DRL जो है पीछे भी हम लगा चुके हैं टेल लाइट पे, और डिग्गी लाइट कुछ देख सकते हैं बहुत खास अमेजिंग लुक आ रही है, तो बहुत ही हटके कुछ लुक आ रहा है। साथ में गाइस सबको दिखाते हैं, चलते हैं अंदर की तरफ। तो अंदर से बात करें तो उसमें हमने पूरा इंटीरियर करा है, तो वो भी गाइस दिखाते हैं आपको। तो गाइस अंदर की तरफ अगर बात करें तो अंदर की तरफ देख सकते हैं साइड का पैनल कुछ इस तरीके से लुक आया हुआ है, और लुक काफ़ी हद तक बहुत ही बढ़िया जो इसका लुक है वो देख सकते हैं किस तरीके से बहुत ही बढ़िया लुक आया हुआ है, देख सकते हैं। फिनिशिंग भी मामले में चेक करें तो काफ़ी हद तक बहुत ही बढ़िया आया हुआ है। तो अब अंदर की तरफ आते हैं, तो अंदर की तरफ हमें दिखाएंगे साइड का पैनल दिखा चुका हूँ। तो एक बार बात करें डैशबोर्ड का, तो डैशबोर्ड भी देख सकते हैं काफ़ी गाइस जो है ना मतलब लुक के मामले में और फिनिशिंग के मामले में फिनिशिंग भी काफ़ी हद तक बहुत ही बढ़िया अमेजिंग लग रहा है। तो ये देखिए गाइस अब इसमें देख सकते हैं स्टेयरिंग जो हमने रैप कर चुके हैं, ये जेनुइन वाला स्टेयरिंग भी हो चुका है, तो स्टेयरिंग का भी कुछ इस तरीके से लुक आया हुआ है। साथ में अगर बात करें अंदर की तरफ से तो पिलर की बात करते हैं, एक बार आप डैशबोर्ड पूरा पहले चेकआउट कर लो, ये देखिए गाइस तो डैशबोर्ड भी काफ़ी हद तक देखते हैं नीचे तक हम ये कुछ इस तरीके से आ रहा हुआ, देखिए। अब बात करें साइड के प्रोफाइल्स की, तो साइड प्रोफाइल्स में ये देखिए साइड का जो पिलर होता है वो पिलर हमने कर दिए हैं, 6-piece पिलर हुआ है, 6-piece पिलर आपको सब दिखाऊंगा। ये देखिए आगे आए का पिलर दिखा चुका हूँ। तो बात करते हैं बीच का सेंटर का पिलर, तो ये देखिए सेंटर का पिलर कुछ इस तरीके से आया हुआ है, ये देखिए। अब बात करें पीछे का, तो पीछे का ये देखिए पीछे का गाइस कुछ इस तरीके से पिलर का लुक आया हुआ है। तो 6 पिलर मैं आपको दिखा चुका हूँ, ये देखिए, ये देखिए गाइस। तो पिलर का भी लुक काफ़ी हद तक बहुत ही बढ़िया हुआ, अमेजिंग लुक आया हुआ है।
और देख सकते हैं ओल्ड वैगनार है। अब इसके बात करें नीचे की तरफ, तो नीचे इसमें हमने फर्श मैटिंग करा है, जो फर्श मैटिंग आपको दिखा रहा हूँ, देखिए गाइस वीडियो थोड़ा अलग सा बन रहा है क्योंकि मेरे मोबाइल में एक्चुअली फ्लैश नहीं है, तो मैं किसी और फ्लैश से यूज करके वीडियो बना रहा हूँ। नाइट का टाइम है तो वीडियो थोड़ा इसमें मतलब फील होगा वीडियो में कि मतलब थोड़ा अच्छा नहीं बना, बट गाइस आप काम जो भी दिखाऊंगा जेन्युइन दिखाऊंगा। तो ये देखिए हम इसमें फ्लोरिंग भी कर चुके हैं, साथ में बात करें एक बार सीट कवर की तरफ। तो सीट कवर देखिए, सीट कवर कुछ इस तरीके से देख सकते हैं, ये देखिए गाइस, तो सीट कवर भी काफी हद तक अमेजिंग है, वो एकदम जबरदस्त, जो कि लुक काफी हद से, ये देख सकते हैं दूर से दिखाऊंगा आपको मैं वैगनार का, तो लुक काफी हद तक बहुत ही बढ़िया हुआ है। तो गाइस अगर पीछे की बात करें तो पीछे की तरफ देखिए आप, ये देखिए पीछे की तरफ से काफी अमेजिंग लुक आया हुआ है। तो गाइस ऑलमोस्ट मैं पूरा काम दिखा चुका हूँ आपको, एक बार अंदर की तरफ आपको दोबारा लाइट चेक कर देता हूँ, तो लाइट चेक कर देता हूँ आपको दोबारा एक बार। ये देखिए मैं लाइट ऑन करता हूँ, ये देखिए अपना नॉर्मल फोक लैंप हो गया, जो फोक लैंप ऑन हो चुका है देख सकते हैं, ये देखिए फोक लैंप का रोशनी काफी तक बहुत ही बढ़िया है। आपको दिखा चुका हूँ कि फोक लैंप ऑलरेडी इसका पुराना था, पर इसमें एलईडी लगाने के बाद रोशनी काफी तक बहुत ही बढ़िया आ चुका है। देखिए ये ऑफ है, ये ऑन है। तो गाइस एक बार इसका मैं लाइट जो चेकअप कराऊंगा आपको, ये देखिए आप हेडलाइट जो है, ये देखिए काफी हद तक, ये देख सकते हैं आप डीपर भी, ये देखिए डीपर भी बहुत जबरदस्त आया हुआ है। तो गाइस वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।